लोकेटेड इन मध्य प्रदेश नाथपा झाकरी डैम है हिमाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन के अंदर आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इट्स अ इट्सरी बॉडी आर्टिकल 105 में मेंशन में किया गया है पावर्स प्रिवलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आज के सवाल है पंथी डांस इज एन इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट

रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन आज की डेट में प्लानिंग कमीशन भी नहीं है अब है नीति आयोग सो दीजा फॉर टूडे आज की क्लीन स्वीप करना मतलब एक ओवरवेलमिंग डिसाइजिव विक्ट्री है जिसे ट्राइलेट्रल सीरीज़ थी थ्री जीरो से जीत लिया सो दैट इज अ क्लीन स्वीप फुल फ्लैज फुल फ्लेज पढ़ाई करनी चाहिए कंप्लीटली डेवलप्ड है एस्टेब्लिश है गोइंग फुल थ्रोटल एस्टाउंडिंग मतलब सरप्राइजिंग है इम्प्रेसिव है नोटेबल है इपिटोमाइज करना मतलब वो किसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गैलेंट का मतलब होता है ऑफ अ पर्सन और their बिहेवियर जो बहुत हेरोइक है सो दीज आर vocabulary words. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर important वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज ये बड़ी अच्छी न्यूज है मीरा बाई विंस इंडियाज फर्स्ट मेडल इन टोक्यो एक्सलेंट

एंड विल टॉक अबाउट नो प्लान फॉर टू चाइल्ड पॉलिसी मिड सेंचुरी टारगेट है नेट जीरो इन एडिकुएट टाइफून आया है इन फा चाइना ने फोर्स किया है ट्यूटरिंग कंपनीज टू को कि टू गो नॉन प्रॉफिट दिस इज फर्स्ट साइड आज संडे है एडिटोरियल नहीं आता दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी गट इनहेरिटेंस बर्थ ऑफ अन कीप योर माइंड अलर्ट एंड एक्टिव कैन एज रिलेटेड मेमोरी लॉस बी रिवर्सडिस दिस इज ब्रेगजिट सर्वेलेंस एंड नाइन्टी सेवेंथ सी एफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एफ एक् सेक्शन देन हम पढ़ेंगे फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा नंबर बढ़ने नहीं चाहिए डेली काउंट उत्तराखंड के कुछ ये टूरिस्ट प्लेसेज हैं फुल स्विंग में वर्क हो रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और फॉर द फॉलन देन हिंदी में आज हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में सी सेट सोलूशन है और कुछ सवाल है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट अवर रेफरेंस मटीरियल इज दिस दिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन आज का सेशन विदाउट कैमरा करते हैं ओके okay? सो so ये फ्रंट पेज है द हिंदू का दिस इज फ्रंट पेज प्राइवेट सेक्टर लैगिंग इन वैक्सीनेशन ड्राइव ये बताया गया है कि जो ट्वेंटी फाइव परसेंट वैक्सीनेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए अलोकेट थी वो उस वैक्सीनेशन ड्राइव को फुलफिल ढंग से नहीं कर रहे हैं इसके कारण ओवरऑल जो वैक्सीनेशन देने का टारगेट्स होते हैं उससे हम पिछड़ रहे हैं

कॉमनवेल्थ में सिल्वर भी जीता है अभी टोक्यो ओलंपिक्स में भी जीत लिया कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में भी आप चैंपियन थे ब्रोंज भी जीता है एशियन चैंपियनशिप ताशकंद 2021 में फर्स्ट फर्स्टर है ओलंपिक एंड सेकंड टू विन अ मेडल आफ्टर कर्णम मालेश्वरी जी ब्रोंज जीता था सिडनी ओलंपिक्स 2000 में तो इट्स अ बिग अचीवमेंट सेकंड इंडियन वुमेन है टू एन ओलंपिक क्लिंचर पी वी सिंधु बैडमिंटन हर फर्स्ट कोच वॉज एल अनिता चानू ट्रेंड हर एट दिस पार्क ट्रेनिंग सेंटर इन इम्फॉल नॉर्थ सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने का प्लान है ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा कल्चर है स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स में दैट इज बाय आप देखना हमारे नॉर्थ ईस्ट से इतने ज़्यादा ब्राइट स्टार्स आ रहे हैं खेलो इंडिया गेम जैसी जो स्कीम्स होती है वो भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यू नो जो स्पोर्ट्स होता है ना इसको टीयर वन सिटीज से निकाल के एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए टीयर वन का हमें टीयर टू टीयर थ्री और ऑल ओवर इंडिया इसको स्प्रेड कराना है वी हैव अ वेरी बिग पॉपुलेशन और इतना पोटेंशियल है हमारे पास स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा करने का तो उसका स्ट्रैटेजी यही होगा जब हम पूरी पॉपुलेशन को रोपन करें स्पोर्ट्स को डिसेंट्रलाइज करें और ग्रास रूट से चैम्पियंस ऐसे उभर के फिर बाहर आएंगे और जो टैलेंट है उसका रिकॉग्निशन ज़रूरी है उसका नरिशमेंट ज़रूरी है उसको प्रॉपर एनकरेज किया जाए ग्रूम किया जाए सो द टैलेंट वेस्ट नहीं हूँ सो दिस इज वर्थ हर वेट इन सिल्वर और बहुत ओलम्पिक्स में अभी मेडल्स आने चाहिए दिस इज जस्ट द बिगनिंग देन दिस इज प्राइवेट सेक्टर फॉलिंग बिहाइंड नो इमिनेंट थ्रेट है तालिबान इन्फ्लक्स का इन कश्मीर अभी ऑफिशियल्स ने कहा अब सी दिस इज द प्रॉब्लम जिसे तालिबान यहाँ पे बहुत ज्यादा गेन करेगा अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पिटेगी तो ये जो इसके रिजल्ट है ना रिपरकशन है सब चारों तरफ फैलने वाले हैं तो फिलहाल के लिए तो यहाँ थ्रेट नहीं है कश्मीर में ऑफिशियल्स ने कहा बट दिस इज अ कॉज ऑफ वरी डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान कुड एम्बोल्डन टेरर ग्रुप्स और फिर अगेन जितनी नॉर्मल सी हम चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर एरिया में वो फिर एक डिस्टेंट ड्रीम बन जाएगा द पॉइंट इज इसको चेक करना भी जरूरी है देन दिस इज बंगाल गवर्नर सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का सेकेंड ऐसी दिल्ली से भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं दीपक कुमार मनिका बत्रा टेबल टेनिस अमोद जैकब सार्थक भांबरी ये बड़ा अच्छा टाइम है ओलंपिक्स के बहाने सारे जो स्पोर्ट्स रिलेटेड गेम्स होते हैं स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी होती है स्पोर्ट्स जीके को इम्प्रूव देन वेंडर्स हॉकर्स टू मार्च टू सीएम दिस टुमारो ये क्या है वेंडर्स हैं ये आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और लॉकडाउन के कारण इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ा है इसके लिए स्कीम है प्रधानमंत्री एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर्स

तो लोन भी इजी टर्म्स एंड कंडीशंस में रहेगा तो वो इस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपने बिजनेस ऑनटरप्रोनोरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं तो इससे वो क्या बनेंगे आत्मनिर्भर बनेंगे तो पीएम स्वानिधि इज अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर्स पी एम स्वानिधि देन विंटेज गोल्फ कार्ड टू ऑफर लास्ट माइल कनेक्टिविटी चांदनी चौक में ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है विंटेज गोल्फ कार्ड गोल्फ का ग्राउंड होता है बहुत बड़ा होता है मूव करने के लिए ये ऐसे छोटी कार्ड्स भी होती हैं तो जो विंटेज कार्ट है उसको क्यों ना चांदनी चौक में डिप्लॉय कर दिया जाए कार्ड्स का यूटिलाइजेशन भी होगा एक एस्थेटिक वैल्यू भी आएगी और साथ ही साथ चांदनी चौक जैसे कंजेस्टेड एरिया में एक नया दिस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी मिल जाएगा सो दिस इज अ गुड आइडिया देन दिस इज बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी आ रहा है उसको हार्वेस्ट करना है रेन का वाटर की खेती करना है दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा ग्रीन कवर होगा वाटर बॉडी रिवाइव होगी और फ्लड्स भी कंट्रोल में आएंगे सो दिस इज पेज नंबर थ्री ये पेज नंबर फोर है एजुकेशन पेज नंबर फाइव है, है, है सदर्न इंडिया में श्री शैलम रिजर्वायर भी इन सेसन रेनफॉल के कारण वाटर लेवल राइज हो रहा है इसको रिलीज करना पड़ेगा पानी और उससे फिर फ्लडिंग और बढ़ेगी केरला में अभी येलो अलर्ट है दिस इज येलो अलर्ट देन दिस इज वेस्ट न इंडिया सिल्वर लाइनिंग दिस सिल्वर लाइनिंग ऑफ दिस मीराबाई चानू दे महाराष्ट्र में सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस रेजेज कंसर्न ओवर यू ए पी ए येम रेडियो हैम रेडियो होता है इमेचर क्लब इमेचर रेडियो के सी डिजास्टर्स आते हैं टेलीफोन लाइन्स कट हो गई मोबाइल टावर्स गिर गए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कॉम्युनिकेशन कैसे करें तो उसमें काम आते हैं ये इमेचर रेडियो ये कुछ रिजर्व्ड फ्रिक्वेंसी में कुछ एमेचर लोग ऐसे यहाँ पे रेडियो के थ्रू सिग्नल्स टू एंड फ्रो सेंड करते हैं मैसेजेस सेंड करते हैं तो ये कम्युनिकेशन चैनल जो होता है ना वो क्रूशियल हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर कि जब सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन ड्रॉप हो गए हैं तब भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेम ऑपरेटर तो वैसे तो ये एमेचर होते हैं बट एक थोड़ा बहुत बेसिक ट्रेनिंग से हम इनका एक ग्रुप बना सकते हैं और ये जो ग्रुप होगा वॉल्टियर्स होंगे ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर हमें बड़े एक्टिवली सर्व कर सकते हैं सी ये जो सीन है ये बंगाल का है बंगाल में भी चार ट्रॉपिकल साइक्लोन्स झेला है इसने फणी बुलबुल अम्फन यास हेम ऑपरेटर्स यहाँ पर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो ये यूज करते हैं उसके थ्रू ये बेटर कनेक्टिविटी हो सकते हैं जैसे सॉस सिग्नल भेजता है कहीं पे लोगों को जागरूकता फैलाना है कि सी फ्लड्स आ रहे हैं या फिर मौसम खराब हो रहा है सच सच थिंग्स या गवर्नमेंट का कोई एडवाइजरी है उसको बताना है तो हैम ऑपरेटर्स की बॉडी अच्छी यूटिलिटी है जब भी आप डिज़ास्टर रिलेटेड कोई सवाल करो वहाँ पे हैम ऑपरेटर का मेंशन जरूर करना चाहिए सजेशंस में हेम ऑपरेटर तो ये गंगा सागर पिलिग्रमि जो होता है और सागर आइलैंड में नेचुरल डिजास्टर में कोलकाता और वेस्ट बंगाल में इनका ट्रायल हो चुका है और वो सक्सेसफुल था इसको हमें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है हेम ऑपरेटर के फील्ड को देन ये मैसेजेस का देखें तो सी ये है लॉन्ग जर्नी ये बच्चे हैं उड़ीसा के और बिकॉज नेटवर्क आता नहीं है सो बॉर्डर झारखंड से सपोज़ वहाँ नेटवर्क आ रहा है तो नेटवर्क पिकअप करने के लिए ऐसे ग्रुप बना के नियर नेटवर्क एरिया जो है मोबाइल टावर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं दैट इज़ बाई इंटरनेट पैनिट्रेशन इतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में एजुकेशन के लिए आपको थ्री जी फोर जी ब्रॉडबैंड हाई स्पीड नेटवर्क इज अ मस्ट नेटवर्क अवेलेबिलिटी कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है देन दिस इज टेररिज्म और ये बात है ब्लिंकन अभी इंडिया में आएंगे ह्यूमन राइट्स इशू रेज करेंगे हमें भी रेज करना चाहिए यू एस ए में जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होता है हाउ एसरल स्पाकड ऑफ क्वेस्ट थर्टीन ईयर स्टडी आया है, कलर चेंज होता है आर लाइक एनिमल्स पे ट्रायल हो रहे हैं आगे एक और ट्रायल है देन द नो टेल्स ऑफ कोविड प्रोग्नोसिस यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती पवार जी का मैसेज है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये बताता है एनी कोवेजन और डिक्टेट

मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या आया है तो इसीलिए जब आपको क्रिटिसिज्म करना है कि क्यों पॉपुलेशन में जैसे पिछले कुछ इसी महीने में हमने पॉपुलेशन रिलेटेड थ्योरीज वगैरह देखा पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है बट वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है सेंटर डज नॉट हैव एनी सच प्रपोजल यहाँ पे मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया है तो दैट इज़ बाय पॉपुलेशन जो होती है ये नेचुरली कंट्रोल हो तो बेटर है स्टेट इसमें ऐसे उसको डिक्टेट नहीं करे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया बुद्धास की जो टीचिंग well, बुद्धा, बुद्धा है ट्रुथ आए हो तो कॉज ऑफ सफरिंग और इसका एक कारण भी होता है द्रूथ ऑफ सफरिंग और ये जो है ना ये सफरिंग आप एंड भी कर सकते हो द ट्रूथ ऑफ द अस फ्रॉम सफरिंग और उसका तरीका है एट फोल्ड पाथ सो देर इज देर इज दुख दुख है दुख से सफरिंग होती है दुख को दूर किया जा सकता है और उसके लिए एट फोल्ड पाथ है तो बुद्धा का मतलब ही होता है एनलाइटेंड वन जो बहुत जाग जाग चुका है जिसको सब पता चल गया है दैट इज़ एनलाइटन एनलाइटनमेंट हो गया है तो ये एट फोल्ड पाथ है ये बड़े अच्छे होते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग राइट थॉट राइट स्पीच राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट एफर्ट राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन सो दीज आर फोर नोबल ट्रूथ दीज आर एट फोल्ड पाथ जो दो रिलीजन है वो यूपीएससी के फेवरेट है एक तो है जैनिज्म और दूसरा है बुद्धिज्म हर साल इन दोनों में से क्वेश्चन आते ही आते हैं सो so जेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और बुद्धिज्म के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इनके जो लेसन है बिकॉज ये दोनों ही लेस दोनों ही रिलीजन है ना ये बड़े पीसफुल रिलीजन है तो दोनों की ही जो मैसेजिंग है वो प्रेजेंट टाइम पे बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर अ नोट ऑन द बुद्धिज्म बुद्धिज्म के बारे में सब जानिए डिस्कस इट्स टीचिंग इन द मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिज्म की क्या टीचिंग्स कितनी इफेक्टिव है जैसे एट फोल्ड पाथ देखा ना बुद्धिज्म में आप और भी पढ़िए बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे और वो मैसेजेस बड़े रेलेवेंट है इन द मॉडर्न टाइम मॉडर्न टाइम मतलब टाइम ऑफ दिस कंपटीशन हो रहा है टाइम ऑफ दिस एनजाइटी है टाइम ऑफ डिसीज़ है अनसर्टेनिटी है स्ट्रेस लेवल है कंट्रीज़ में आइसोलेशन टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है देन तो जो टीचिंग्स हैं वो एज अ ह्यूमन रेस क्या इनको हेल्प कर सकती हैं हमें क्या हेल्प कर सकती है ट्राई टू कनेक्ट थिंक लाइक दैट ये वैसे आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो बुद्धिज्म और इससे रिलेटेडिक्स फिलोसोफी ओकेज द्वेश्चन फॉर टूडेयर अम डे कॉन्टेक्स एनमिटी डॉट क्वेल एनमिटी सी वॉट अ गुड सेंटेंस एनमिटी डॉट क्वेल एनमिटी एनमिटी डज नॉट क्वेल एनमिटी रादर एनमिटी इज काम्ड विद लव एंड बाय बिग हार्ट इन in times of tragedy, द वर्ड हैज एक्सपीरियंस दिस पावर ऑफ लव एंड हारमनी तो दिस इज इंपॉर्टेंट ओके जैसे दलाई लामा जी के भी कोड्स आते हैं मैसेजेस आते हैं दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल तो आज का ये सवाल है मिड सेंचुरी टारगेट है नेट जीरो का वो इनएडिक्वेट है नेट जीरो मतलब जितना पॉल्यूशन हम कर रहे हैं उतना ही हम कंपनसेट भी कर रहे हैं तो ओवरऑल माइनस प्लस दैट इज जीरो क्लास टेन ट्वेल्थ के रिजल्ट आए हैं ये बहुत पेनफुल न्यूज है अनादर एलिफेंट इलेक्ट्रोक्यूटेड इन उड़ीसा ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं दिस इज अगेन वेरी सैड पिक्चर बाइडन घनी क्वेश्चन तालिबान मोटिव नाइट कर्फ्यू लगाने की बात है प्रोटेस्टर्स ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया में लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो कोविड नाइन्टीन एमनेस्टी सिक्स मॉरेटोरियम ऑन सर्विलेंस टैक ये एक नया टाइफून है इंफा फिलिपींस थाउजेंड्स ऑफ फ्ली आफ्टर डेज ऑफ रेन बहुत पानी आया यहाँ पे भी बाढ़ आ गई देन यूनेस्को क्रिटिसिज्म ओवर हेगिया सोफिया दिस क्रिटिसिजम पे जो टर्की का एक्शन हुआ था इस पे यूनेस्को ने क्रिटिसिज्म दिया है दिस स्टेट पे ये जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है चाइना फोर्सेस ट्यूटरिंग कंपनीज टू गो नॉन प्रॉफिट न्यू रूल्स एम्ड एट ईजिंग प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स पेरेंट्स ही ये चीज हम बहुत टाइम से देख रहे हैं जब भी हम अकेडमिक्स की बात करते हैं एजुकेशन की बात करते हैं हम इस लाइन ऑफ एक्शन को देखते हैं आई एम रीडिंग न्यूज पेपर एवरीडे तो बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो पहले से ही एंटिसिपेट हम करने लग जाते हैं एक लेवल आ जाता है जब आप डेली चीजें ऐसे देख रहे हो ना वर्ल्ड में क्या हो रहा है किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो आप एंटिसिपेट कर लेते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेन इंडिया में भी देखना अभी ये होगा न्यू रूल्स एम्ड एट ईजिंग प्रेशर ऑन स्टूडेंट पेरेंट्स सी हमारे यहाँ क्या हो गया एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम ही है ना वो हमने इतना एक्सपेंसिव बना दिया है और वहाँ पे दिस कैपिटलिज्म ज़्यादा आ रहा है मॉनेटरी टेंडेंसी ज्यादा आ रही है तो जो एजुकेशन के पिलर्स होने चाहिए यंग माइंड्स में जो होने चाहिए इनकल्केट करने चाहिए हम उससे लैग कर रहे हैं तो ये देखिए चाइना ने यहाँ पे फोर्स कर दिया है आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग कंपनीज को कि वो रजिस्टर करें एज नॉन प्रॉफिट्स एंड बैनिंग क्लासेज ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज यू नो एक ये आई हैविंग दिस डिस्कशन विद वन वेरी सीनियर पर्सन सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो रिटायर्ड हैं अभी उनसे ना उन्होंने ये बताया कि हम जैसे ये सेलिब्रेट करते हैं ना एजुकेशन सेक्टर में इतने करोड़ इतने बिलियन मिलियन ये हो गया है ये एक तरीके से बताता है कि फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन देनी चाहिए ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है दिस टेल्स कि वेयर इज दिस लैक गैप कहाँ पे हो रहा है एजुकेशन मॉडल में गैप कहाँ पे हो रहा है तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन है इसको अभी देखना और इवॉल्व होगा और इसके भी रिजल्ट हम देखेंगे इवन इन इंडिया ऑल्सो दिस इज फर्स्ट साइड आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये बात है कि जैसे बेबी बॉर्न हुआ चूहों पर यह एक्सपेरिमेंट किया तो उसको कैसे पता चल जाता है कि वर्ल्ड कैसा है क्या है उसने तो देखा नहीं आईज क्योंकि वो अभी बाहर नहीं आया है तो वो इसलिए पता चलता है कि वो जब मदर के अंदर रहता है तो उसमें न्यू नटाल और ऐसे उसको ड्रीम्स आते हैं ड्रीम्स आते हैं तो वो देखता है सेंस कर पाता है बहुत सारी चीज़ें वाया उसकी मदर सो दैट इज़ वाई ये जो लिंकेज होती है वो एक तरीके से एनिमल्स में इस रैट को इवन ह्यूमन बींग्स में भी अप टू तो सम एक्सटेंट अवेयर करा देती है एक ग्रूमिंग हो जाता है एक कंडीशनिंग हो जाता है कि बाहर की दुनिया कैसी है दिस इज़ गट इनहरिटेंस ये भी एक बात है ये हैं बैबून्स, बैबून्स. है बेबून्स बेबून्स इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि हेरिटेबिलिटी क्या क्या होती है जैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्राम वन जनरेशन टू नेक्स्ट तो ये कुछ इनहेरिटेंस के ट्रेड्स उसमें आए सेम ट्रेड्स ह्यूम में भी आते हैं ट्रांसफर ऑफ दिस ट्रेड्स फ्राम वन जनरेशन टू अनादर सो दीज आर टू एक्सपेरिमेंट्स वैक्सीनेटिंग हेल्थ वर्कर्स भी मेड मैंडेटरी वैक्सीनेशन इज गुड देन मून फॉर्मिंग रीजन सीन अराउंड एक्जो प्लैनिट फॉर द फर्स्ट टाइम सीन सन है सन स्टार है इसका जो लेफ्ट ओवर मटेरियल या ऐसे होता है वो अगर कंडेंस होने लग जाता है तो ऐसे करके एक अगर फिक्सड साइज हो गया फिक्सड पाथ हो गया फिक्सड स्पेस हो गया तो वो बनता है प्लानिट बट प्लैनिट के अराउंड भी छोटा छोटा जो डेबरी है वो भी कोलिस होता है और बन के बन जाता है दिस दिस मून टाइप सैटेलाइट नेचुरल सेटेलाइट तो एक एक और ऐसी स्टडी है जिसमें पाया गया है ऐसे कुछ सैटेलाइट्स मिले हैं नेचुरल मूनस कैसे बनते हैं अब बताओ सोलर सिस्टम में कौन सा प्लानट ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है और कौन से दो प्लानट ऐसे हैं जिनके पास मून ही नहीं है देन स्टडी प्रपोजेज रीपर्पज ड्रग टू ट्रीट कोविड नाइनटीन दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी ये टाइप की न्यूज में बहुत डिटेल में नहीं जाना है इनकी वेरी लो शेल्फ लाइफ है आज ये थ्योरी है कल दूसरी हो जाएगी जब तक जो थ्योरी सेटल नहीं हो जाती वो डिस्कशन में नहीं आती है और उससे सवाल भी नहीं बनते हैं कीप योर माइंड अलर्ट एंड एक्टिव नो सी मेंटली एक्टिव होना जरूरी है डाइट अच्छा ले नट्स योगा एंड फिटर बॉडीज एंड ब्रेन्स बेसिकली ये एल्डर्स के लिए है जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी क्या होती है वो भी पुरानी होती जाती है बॉडी तो वो बॉडी भी अब उतनी एक्टिव नहीं होगी जितनी आपकी है यू आर सो यंग यंगस्टर्स हैं तो द पॉइंट इज कि एल्डरली का जो हेल्थ रिलेटेड इशूज़ आता है उसमें एक बहुत बड़ा बात है मेमोरी लॉस का अल्जाइमर डिसीज होती है भूलने की बीमारी होती है जैसे हम यंग होते हैं ना तो हमारा दिमाग शार्प होता है हम चीजें भूलते नहीं है मेंटली अलर्ट होते हैं बट एज वी ग्रो ओल्डर तो आप देखना वो थोड़ा रिफ्लेक्सेस भी उनके स्लो होते चले जाते हैं तो दिस इज अबाउट अल्जाइमर अल्जाइमर ये है मेमोरी एज लॉस के साथ जो हुआ है वो ठीक भी हो सकता है सी एक नॉर्मल वियर टियर तो होगा जैसे बुद्धा ने बोला है ना इफ यू हैव कम टू दिस लाइफ वन डे यू विल हैव टू गो इसका आप कुछ नहीं कर सकते बॉडी आई है ये साइकिल कंप्लीट होगा बट द पॉइंट इज अगर आप हेल्दी प्रैक्टिसज रखेंगे तो ये जो आपका स्पैन है ये जो स्पैन है जितना आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिला है वो वैलिडिटी आप फ्रूटफुल वे में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं हेल्दी रहेंगे तो पेन कम होगा एटसेट्रा सो दैट इज वाई हेल्दी प्रैक्टिसेज आर इम्पोर्टेंट ये फिर एफ है ब्रेगजिट इन ट्रबल ये कल ही हमने देखा था नॉर्मल टॉक्स है अगेन ब्रेग्जिट तो पहली दफ़े होना नहीं था बट इन्होंने ब्रेग्जिट किया ब्रेग्जिट किया तो दिक्कत आ रही है नॉर्दर्न आइलैंड की ये जो नॉर्दर्न आईलैंड है पार्ट ऑफ यूके है वेल्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आइलैंड में गुड फ्राइडे अग्रीमेंट के थ्रू ये कंट्री और ये पार्ट ऑफ यू इनके बीच में फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था ये चली गई नॉन ई यू और ये है ई में तो ट्रबल यहाँ पे आ रही है तो दिस इज गोइंग ऑन ये चीजें अभी और ज्यादा यहाँ पे बिकरिंग होगा एंड थिंग्स विल टर्न अगली अगली ब्रेगजिट इन ट्रबल जो सेकेंड न्यूज़ है दिस इज अबाउट सर्वेलेंस लॉ लास्ट वन और टू वीक में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है अगेन हैव अ लुक एट नोट्स पुट्टा स्वामी केस हमें पता है सर्वेलेंस जरूरी है स्टेट के लिए बट सर्वेलेंस बाय लॉ होना चाहिए विद इन द लॉ होना चाहिए और लॉ भी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना कि रूल बाय लॉ तो ये जो सर्विलेंस है सर्वेलेंस के प्रॉपर गाइडलाइंस होने चाहिए रूल्स होने चाहिए अदरवाइज इट्स अ पुलिस स्टेट विच इज नॉट एडवाइजेबल वेट इट देंटर गो रॉन्ग ऑन कोऑपरेटिव इसमें भी हमने पिछले दो तीन दिनों में बहुत बातें की है लुक इट नोट नाइनटी सेवन सी ए के प्रोविजन कुछ प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिए क्यों क्योंकि कोऑपरेटिव है स्टेट सब्जेक्ट तो अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो रेटिफिकेशन हाफ ऑफ स्टेट भी चाहिए होगा बट अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है तो सेंटर उसमें लॉ ला सकता है बट विद इन स्टेट कोई कोऑपरेटिव है तो सेंटर ऐसा नहीं कर सकता तो देट इज वाई ये जो नाइनटी सेवन सी ए था पार्ट नाइन बी जो इंट्रोड्यूस हुआ था उससे इसमें कुछ पोर्शन डिलीट हो गए ये फिर से न्यूज में इसलिए भी है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बन रही है इससे कुछ स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि इसमें स्टेट के जो पावर्स हैं उसमें इंटरफियर कर रही है दिस यूनियन गवर्नमेंट ओके देन द स्पाय हु केम इन फॉर द फोन ये इसराइल की जो कंपनी है पैगसज अब इसमें भी पीएचडी नहीं करना है दिस इज नॉट अवर कंपनी ऑल्सो दिस इज इसराइली कंपनी ब्लू ओरिजिन द रेस टू स्पेस अगेन इसमें भी जो लाइन ऑफ एक्शन वो ये है इनके नाम पता होना चाहिए ये सवाल आएगा मैच द फॉलोइंग ब्लू ओरिजिन कौन सी है फिर दिस वर्जिन गैलेक्टिक कौन सी कंपनी है फिर ये जेफ बेजोस की थी ओके फिर एक टेस्ला वाला जो इलोन मस्क है उसकी कौन सी कंपनी है स्पेस एक्स इस टाइप से मैच द फॉलोइंग आ सकता है ये नए हैं अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट है पेरू के ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी दिस सोशलिस्ट है ये जुलाई एक्सपोर्ट इतना हुआ अच्छी बात है टेस्ला अभी इंडिया आना चाहता है पर वो टेस्ला ये बोल रहा है कि हमारा फ्यूल जो है वो पेट्रोल कार नहीं है हमारी ई व्हीकल है तो हमें एक कुछ रिलीफ दो आप एग्जैम्शंस मिलने चाहिए ये माइंड ट्री है तेन सी गट सी मीरा ब्रिंग्स चीयर टू इंडियन बी लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना उनको बहुत सारी चीज़ें आती है फेलियर आता है लेसन आते हैं हार्डवर्क आता है कॉम्पीट करना आता है स्पोर्ट्समैनशिप आती है लर्न दीज क्वालिटीज ये एग्जाम्स में भी हेल्प होती है देन दिस इज स्पोर्ट्स में अभी देखते हैं अभी और मेडल्स आने चाहिए हमारे पास ओके सो दिस इज द हिंदू अभी इंडियन एक्सप्रेस है अगेन मीरा बाई लिफ्ट स्पिरिट इंडिया के लिए अच्छा है कोविड नाइन्टीन के माहौल में गुड न्यूज़ इन फुल स्विंग ये वर्क चल रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ओके एंड कोविड के केसेस कम हो रहे हैं सेंटर हेल्प किड्स फील सेफ एट पुलिस स्टेशन ग्यारह चाइल्ड फ्रेंडली सेंटर्स भी कम अप हुए गुड देन दिस इज अबाउट स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं रिजल्ट अच्छे आए देन कोविड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इज बाय मदर को भी बड़ा केयरफुल रहना है सेफ्टी एंड प्रकॉशंस देन ये है फॉर द फॉरन ये कारगिल वॉर मेमोरियल है द्रास सेक्टर में लद्दाख में कारगिल विजय दिवस आ रहा है जुलाई पच्चीस छब्बीस अभी रामनाथ कोविंद साहब भी जाएंगे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस और यहाँ पे होमेज पे करेंगे टू द सोल्जर्स जो मार्टर हुए थे दिस 1919 कारगिल वॉर में देन ब्रोकन बैक माउंटेन्स ये माउंटेन्स है आपको कहाँ जाना है आपको यहाँ मसूरी जाना है ओके ये मसूरी है ये उत्तराखंड के और ये सारे जो प्लेसेज है ना ये सारे प्लेसेस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पूरा उत्तराखंड है ये ही इसकी मेजर इकोनॉमी जो है ना वो टूरिज्म बेस्ड है और टूरिज्म पिट गया है बिकॉज़ ऑफ़ कोविड तो उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज चाहिए देन दिस इज मिस्टर शी बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं मिलिट्री ऑफिशियल्स लासा में मिले लास्टिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पैरिटी इन तिब्बत देन पाकिस्तान भी अब ट्रबल में आ रहा है अफगान बॉर्डर तालिबान के साथ क्लैश और फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑनस्ट टैक्स पेयर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अच्छा बताया हमारा फॉरेक्स थोड़ा और बढ़ गया है क्लीन एनर्जी व्हीकल ट्रीटेड डीजल से बेटर ट्रीटमेंट मिले सी चाइना रेगुलेटर बास टेंट ये बड़ी कंपनी है चाइना की एक्सक्लूसिव राइट इन ऑनलाइन म्यूजिक तो ये जो बिग टेक है ना चाइना ने क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया है बिग टेक वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ये डिबेट का टॉपिक है और इस पर एक व्यू पॉइंट डेवलप करना है एक तरफ टेक्नोलॉजी कंपनीज और दूसरी तरफ गवर्नमेंट्स देन वन फॉर द रोड ब्यूटिफुल मूवी देन दिस इज ड्राई टी फॉर द क्वीन एंड टाइम टू बाइट द बुलेट बाइट द बुलेट इसका क्या मतलब होता है बाइट द बुलेट देन बिगिनर्स प्लक मिसिंग और ये ओलंपिक की न्यूज है ओके राइज स्पोर्ट्स क्लब कल्चर मणिपुर को हेल्प किया टू प्रोड्यूस अ प्रोड्यूसर लाइक चानू अब आज हम बात करते हैं शहीद शहीद हम बात करते हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आपका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 तो अभी हमने जन्म दिवस सेलिब्रेट किया मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में प्रारंभिक जीवन था तो पहले आपका नाम अलग था बट एक बार आप अरेस्ट हुए मजिस्ट्रेट ने पूछा व्हाट इज योर नेम तो ही सेड आजाद इज द नेम एंड पिता का नाम है स्वतंत्रता और अपना निवास स्थान जेल है तो तब से इनका नाम पड़ गया दिस चंद्रशेखर आजाद आजाद इन्होंने बोला था मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा स्वतंत्रता आंदोलन में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं जो एग्रेसिव स्टांस आया था ना हमारा इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का इसमें चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया जब गांधी जी ने एक्चुअली 1922 में जब असहयोग आंदोलन चौरा चौरी का भी अभी सेंटिनरी था जैसे ही बंद किया ना तभी से ही जो नव नौज, नौजवान लड़के थे सब बीस के थे ज्यादा बड़े नहीं थे इन लोगों को लगा कि आज़ादी तो अब छीन के ही मिलेगी तो ये जो असहयोग आंदोलन था ना गांधी जी ने अचानक बंद किया उसके बाद से ये ज्यादा आने लग गए इन्होंने बनाया रिवोल्यूशनरीशन एच आर ए इसमें शचिंद्राथ सान्याल थे नरेंद्र मोहन सिंह थे और ये थे तो ये सारे रिवोल्यूशनिस्ट थे भगत सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है सुखदेव राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह अशफाक खान और राजेंद्र लाहिड़ी आप सब थे एच में फिर काकोरी में ट्रेन बिकॉज कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए तो पैसे कहां से लेंगे इनको लगा ब्रिटिशर्स ने हमको लूटा है हम इनको लूट लेते हैं तो ब्रिटिशर्स की ये जो ट्रेन थी उसको उन्होंने लूट लिया फिर एक बाद में पहले था अब यही जो टाइम है ना 1917 में रशिया में रिवोल्यूशन हो गई तो जो नाइनटीन ट्वेंटीज है ना जितनी भी सोशलिस्ट वाली एक्टिविटीज है सब नाइनटीन ट्वेंटीज में होगी तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनेगा इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया फिरोज शाह कोटला में ये हुआ अब यहाँ पर इनको एक अल्फर्ड पार्क है जिसको बाद में आजाद पार्क के नाम से रखा गया वहां पर ये अकेले पड़ गए थे और पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था ना तो इन्होंने आखिरी बुलेट खुद को खुद को मारा और इस तरीके से आप शहीद हुए तो दिस इज चंद्रशेखर आजाद जी सी सेट सोलूशन देखते हैं ओरिजिनल लेंथ एक्स है ब्रेथ वाई है एरिया एक्स वाई हो गया नया लेंथ एक्स बाय टू है ब्रेथ थ्री वाई है तो नया एरिया इतना हो गया दोनों का डिफरेंस निकालिएसेंटेज एक्स वाई से निकालिए फिफ्टी परसेंट ये कौन है कौन को अब आप ऐसे रोटेट करोगे तो ये ट्राइंगल है ट्राइंगल को रोटेट करोगे तो कौन बन जाएगा चार पाँच ते पाइथागोरस वॉल्यूम निकालिए ये वॉल्यूम आ गया दिस इज दॉल्यूम देन रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इस टाइप के सवाल में हमें वॉल्यूम इक्वेट करना होता है पहले वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकाल लिया लार्जेस्ट क्यूब है वो इससे तीन सेंटीमीटर के आ गया तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब कितना होगा सत्ताइस होगा

He finds that he can row 8 स्ट्रीम downstream in the same time as 4 अप upstream. Upstream मतलब आप इधर जा रहे हो और सामने से नहर का वेग ऐसे आ रहा है पानी का वेग ऐसे आ रहा है तो दैट इज अप्रीम आप इधर जा रहे हो और पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है that is, that is downstream. तो आठ किलोमीटर 8 स्ट्रीम सेम टाइम एज फोर किलोमीटर अप upstream. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जब पानी ठहरा हुआ है तो क्या होगी राकेश डाउनस्ट्रीम जाता है स्विमिंग रेट थ्राइस है उसकी अपस्ट्रीम स्विमिंग रेट से बारह किलोमीटर अपस्ट्रीम में करता है ढाई घंटे में वॉट डिस्टेंस ही विल कवर इन फाइव आवर्स डाउनस्ट्रीम ओके सो दिस इज अबाउट थ्री सी सेट क्वेश्चन तो ये सोल्यूशंस था ये चंद्रशेखर आजाद जी हैं आज हमने देखा ब्रेग्जिट और दिस स्टूडेंट इन दिस इज चाइल्ड पॉलिसी बुद्धिज्म आज बहुत अच्छे से पढ़ी है बुद्धिज्म के बारे में सब पढ़ डालिए देन दिस इज अबाउट स्वानिधि और अभी बहुत सारे मेडल जाने वाले हैं टोक्यो में सो दिस इज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ